दोस्तों इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ टॉप 3 एंड्रॉइड टैबलेट्स के बारे में जिनमें आप इजी तरीके से डिजिटल नोट्स ले सकते हैं। पहली टैबलेट के बारे में बात करें जो कि आपको ओप्पो की तरफ से देखने को मिल जाती है, जिसका नाम आपको ओप्पो पैड एयर देखने को मिल जाता है। इसके अंदर आपको 10.36 इंच की स्क्रीन देखने को मिलती है और स्नैपड्रैगन की तरफ से आने वाला 680 प्रोसेसर देखने को मिल जाता है। इसकी प्राइसिंग आपको 16,000 रुपीज के अप्रॉक्स देखने को मिल जाती है। दूसरी टैबलेट की बात करूँ जो कि आपको रियलमी की तरफ से देखने को मिलती है, जिसका नाम आपको रियलमी पैड एक्स देखने को मिल जाता है। इसके अंदर आपको 11 इंच की डिस्प्ले देखने को मिल जाती है। स्नैपड्रैगन की तरफ से आने वाला 695 प्रोसेसर देखने को मिल जाता है। इसकी स्टार्टिंग प्राइस की बात करूं तो 20,000 रुपीस अप्रॉक्स देखने को मिल जाती है। तो लास्ट टैबलेट की बात करूं जो कि आपको सैमसंग की तरफ से देखने को मिल जाती है, जिसका नाम सैमसंग गैलेक्सी S6 लाइट देखने को मिल जाता है। यहां पर सबसे अच्छी बात है कि स्टाइलस आपको इनबॉक्स से देखने को मिल जाता है। इसकी स्पेसिफिकेशन की बात करूं तो यहां पर आपको 10.4 इंच की फुल एचडी प्लस डिस्प्ले देखने को मिल जाती है। प्रोसेसर यहां पर आपको स्नैपड्रैगन की तरफ से आने वाला 720G देखने को मिल जाता है। तो दोस्तों आप इन तीनों में से कोई सी भी टैबलेट चूज कर सकते हैं और इस तरीके से अपने स्टडी के लिए नोट्स वगैरह अपनी टैबलेट में बना सकते हैं।